साथियों, आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। पहली बार किसी देश की प्रेसिडेंसी में ऐसा हो रहा है जब उस देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही है। पूरा G20 समूह भारत के सामर्थ्य को देख रहा है, उससे मंत्रमुग्ध है। क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल सप्लाई चेन हो, आतंकवाद हो, कट्टरवाद हो, हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव, भारत का प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। भारत कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक ही है, उसको व्यक्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। भारत कहता है आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी जो करुणा, जो आत्मीयता हम अपने लिए दिखाते हैं, वही हमें दूसरों को भी दिखानी चाहिए। भारत कहता है संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनांसि जानता, यानी हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारे मन एक हो। और भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। इसी भावना को लेकर हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। इसी भावना के साथ भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे हैं। इसलिए इस अहम समय में फ्रांस भारत के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। और आप जानते हैं कि भारत फ्रांस की इस पार्टनरशिप को कौन लगातार मजबूत कर रहा है, कौन इसे मजबूत कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम दे रहा है? आपका जवाब सही नहीं है, ये मोदी नहीं कर रहा है। ये सब आप लोग कर रहे हैं। हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट दोनों देशों को लोगों के बीच आपसी विश्वास
इस साझेदारी का सबसे मजबूत आधार है। यहां नमस्ते फ्रांस फेस्टिवल होता है तो भारत में लोग बॉन्सो इंडिया का आनंद उठाते हैं। हम दोनों देशों की हेरिटेज हो या हिस्ट्री, आर्ट हो या एस्थेटिक्स, क्राफ्ट हो या क्रिएटिविटी, क्यूजीन हो या कल्चर, फैशन हो या फिल्म, ये सब हमें जोड़ते हैं, ये सब हमें साथ लाते हैं। फ्रांस के फुटबॉलर उनकी पॉपुलैरिटी तो आप इंडिया आकर के देखिए, किलियन मापे के जितने फ्रेंड्स फ्रांस में नहीं होंगे उससे ज्यादा वो भारत के युवाओं में सुपरहिट है।